मैं अपने घर की तरफ से गया तो मैंने वहाँ सुपारी लेके खाई, वहाँ गाली देने लगे, मैं कुछ नहीं बोला। जब मैं अपने घर आ गया तो कम से कम 30-40 लोग चढ़ाई लेके आए। जब मैं घर में जब बात करने के लिए निकला, क्या बात हुई, तो सब लोग मुझे कम से कम 20-25 लोगों ने मारा, और एक ने मेरे यहाँ चाकू मारा और एक मेरे पैर पर लठिया मारी। सरकार की कोशिश और साजिशें रंग लाने लगी। शुरुआत बरेली से हो गई। सुपारी और गुटखा लेने गए युवक के सामने धर्म के लिए आपत्तिजनक बोलकर की गई छेड़छाड़। युवक को घेर कर पीटा गया, बचकर भाग निकला तो दर्जनों भाजपाइयों ने घर में घुसकर परिवार को पीटा, युवक के चाकू घोपा। मैं अपने घर की तरफ से गया तो मैंने वहाँ सुपारी लेके खाई, वहाँ गाली देने लगे, मैं कुछ नहीं बोला। जब मैं अपने घर आ गया तो कम से कम 30-40 लोग चढ़ाई लेके आए। जब मैं घर में जब बात करने के लिए निकला, क्या बात हुई, तो सब लोग मुझे कम से कम 20-25 लोगों ने मारा, और एक ने मेरे यहाँ चाकू मारा, एक मेरे पैर पर लठिया मारी। बहुत अभी ताकि लगे खुली होती तो आप देखते, बहुत ही मारा। बहनों तक को गालियाँ दे रहे थे, मैं कुछ भी नहीं बोला, कोई भी नहीं था, हम दोनों ही भैया थे खाली। बस किस मैटर पर लड़ाई हुई है? सुपारी लेने खाली गाली दे रहे, मैं चुपचाप आ गया भाई, कुछ भी नहीं बोला। वो लोग पिए हुए थे, मैं आ गया, मैंने पिए हुए, चलो ख़त्म करो। फिर घर आ गए गालियाँ बकते हुए, बहुत बहुत गंदी। फिर मैं जब घर में से निकला तो सब चुपट पड़े मारने के लिए, और एक ने मेरे छुरी मार दी चाकू। बस क्या? नहीं भाई, मैं किसी बोलते नहीं हूँ। सुबह 9 बजे काम पे जाता हूँ, शाम को 10 बजे आता हूँ मैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा तौसीफ। कहाँ रहते हो? बांधखाने। क्या काम करते हो? मैं मोटरसाइकिल का काम करता हूँ, 2-व्हीलर का। मेरा मोबीना नाम है। क्या नाम है? मोबीना। क्या हुआ था आज? कुछ नहीं, बस बच्चे मेरे बाहर गए थे, बेखता उन्हें मारा, और जब आए घर पे, आ चढ़ाई करके आए घर में घुस के मारने के लिए। हम लोगों ने ये कहा, हमारे आप भी बच्चे हो, ये भी हमारे बच्चे हैं, हम लड़ना चाहते ही नहीं हैं, हम तो प्यार मोहब्बत चाहते हैं बस, और कुछ नहीं चाहते हैं इससे ज़्यादा। तो कितने लोगों ने आके चढ़ाई करी थे? कम से कम 30-35 लोग थे। किस चीज़ से मारा? इन्हें तो वहीं मारा, ये उधर ही अपनी तरफ मारा हमारे लड़के को। यहाँ से तो चले गए थे, वहाँ हमारा लड़का पूछने गया, बस पता नहीं क्या मारा, ये अकेला था, वो अकेला मारा उसको। तो फिर ये अभी तक जितने लोग आए, उस वक्त आपके घर पे भी आए थे? जी, घर पे ही तो आए थे, जब ही तो हमने देखा इतने लोग आए। बस हम तो लड़ते ही नहीं, मोहल्ले में सबसे एक इस्तफाक मोहब्बत चाहते हैं हम, यही जैसे हमारे बच्चे वैसे पराए बच्चे। तो आपके बेटे को क्या पड़ा पेट पे? पता नहीं चाकू मारा क्या, ये इसी को मालूम होगा जो लेटा हुआ हमारे सामने, तो मारा नहीं था। सरकारी साजिशों को हकीकत में बदलने की शुरुआत यूपी के बरेली से कर दी गई। मामला मामूली कहा सुनी का था। मोहल्ले के तथाकथित भाजपाई ने मामले को हवा देकर बड़ा फसाद बनाने की कोशिश की। नाम मुकुल सक्सेना। क्या मामला था? मामला यह था कि मैं सामने खड़ा हुआ था, यहाँ पे आके गाली बकना, मोदी जी गाली बकना, एक और के एक्सटेंड करना यहाँ पे, और गाली करो, गंदी गंदी गाली बकना। यहाँ पर जब गए थे और हाथापाई खूब करना इन्होंने, उसके बाद में यहाँ से मैं चले गए थे, उसके बाद में यहाँ से मैं चला गया था। गनीमत रही कि पुलिस ने वक्त बर्बाद किए बिना ही मामले को भड़कने से रोक लिया। दरअसल बरेली के थाना प्रेमनगर के मोहल्ला बानखाना के आरिफ खान के बेटा सुपारी गुटखा लेने मोहल्ले की महिला की दुकान पर गया। आरोप है कि वहां खड़ा एक तथाकथित भाजपाई भड़काऊ बातें करने लगा। मना करने पर उसने अपने साथियों के साथ युवक पर हमला कर दिया। युवक बचकर भाग गया, लेकिन पीछे से खुराफाती 30-40 लोगों की भीड़ लेकर आरिफ के घर में घुस गया, युवक के पेट में चाकू घोप दिया। उधर खबर ने अफवाह बंद कर पूरे शहर में खलबली मचा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को संभाल लिया और भाजपाई के इरादों को वहीं मसल दिया।